दोस्तों नमस्कार, लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के डीजे कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो ये डीजे कंट्रोल सर्किट का पार्ट टू है। पार्ट वन नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्यू अनवांटेड रिले के 5 सेकेंड टाइम लैग जो दिया हुआ है, इसको हम लोग बात करते हैं कि क्यों दिया गया है। देखिए, हम लोग जब बैटरी को ऑन करते हैं, एसबीआई को स्विच ऑन करते हैं, तो इधर से 110 वोल्ट का डीसी का जो सप्लाई, ये इस रास्ता से C118 कॉइल का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, इस रास्ता से होते हुए, इस रास्ता से होते हुए, इस रास्ता से होते हुए, इस इधर से ये आकर के Q11 रिले को एनर्जाइज करता है। तो इसमें 5 सेकेंड का टाइम लेग अगर नहीं दिया रहता, तो जैसे ही C118 कॉइल एनर्जाइज होता है, हम लोग डीजे को क्लच करते हैं, Q45 रिले एनर्जाइज होता है, उसका ओपन इंटरलॉक क्लोज होगा और इस रास्ता से होते C118 रिले का कॉइल, ये कॉइल जब इसका एनर्जाइज होगा तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये ओपन हो जाएगा। तो ये Q118 रिले का टाइम लैग नहीं दिया रहेगा तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा और डीजे ही क्लोज नहीं हो पाएगा हम लोग। तो ये इसलिए इसको एनर्जाइज को बनाए रखने के लिए इसमें टाइम लैग दिया गया है। और ये C118 कॉइल जब हम लोग का एनर्जाइज होता है तो ये डीएनर्जाइज कब होता है, ताकि ये जब हम लोग को बेला डीजे को छोड़ देते हैं तो Q45 रिले डीएनर्जाइज होगा, तब ये डीएनर्जाइज होगा, या आरनो जब चलना शुरू कर देता है। और इसको सर्किट से समझते हैं। देखिए, जब हम लोग का आरनो चलना शुरू कर देता है, आरनो चूंकि सिंगल फेज 380 वोल्ट लेता है और थ्री फेज 380 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो W और O फेज के बीच में जब, देखिए ये W और ये O फेज के बीच में जब 155 वोल्ट उत्पन्न करना जब शुरू हो जाता है, तो ये इसका QCVR AC का कॉइल है, ये एनर्जाइज होगा और ये इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इधर से ये क्लोज होगा। और इसमें जो QCVR AC का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है ये ओपन हो जाएगा, तो ये डीएनर्जाइज हो जाएगा। C118 जब डीएनर्जाइज होगा, तो इसका कॉइल जब डीएनर्जाइज होगा तो ये इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये फिर से जा करके तब लगेगा। तो ये आरनो को पिकअप लेने में 3 से 5 सेकंड का समय लगता है, तो इसीलिए इसमें 5 सेकंड का टाइम लेग दिया रहता है कि 5 सेकंड के अंदर में हम लोग का आरनो चालू हो जाता है और ये तब तक फिर से वापस ये जा करके इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये जा करके फिर क्लोज हो जाता है और फिर से सप्लाई इधर से ये देना वापस ये इधर से शुरू कर देता है। दूसरा इसमें है कि Q44, देखिए Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। जब Q44 रिले जब हम लोग डीजे को क्लोज करते हैं, बीएलआर डीजे को प्रेस करते हैं, तो Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ क्लोज करता है, ये क्लोज होता है और इस रास्ता से होते हुए आकर के इस रास्ता से Q44 रिले को एनर्जाइज, जब Q44 रिले एनर्जाइज होता है तो इसका नॉर्मली जो क्लोज इंटरलॉक इसमें दिया हुआ है ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये तो ओपन ही रहेगा, Q44 रिले जब एनर्जाइज हो रहेगा तो ये ओपन होके ही रहेगा, तब फिर इस रास्ता से मिलेगा, फिर दोबारा इस रास्ता से मिलेगा, तो ये HPH SBA SL12 का ये उसका रिले का ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है। तो ये कब, ये आरनो के साथ में चलता है, ये जो मोटर है ये सब दिया हुआ है जो आरनो के साथ में चलता है। तो ये देखिए, हम लोग सर्किट से समझते हैं उसको। ये देखिए, जब आरनो हम लोग का ये आरनो है, आरनो जब चलना शुरू करता है तो इसके ये सिंगल फेज 380 वोल्ट लेता है और थ्री फेज 380 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो थ्री फेज से ये मोटर सब चलता है। तो आरनो जब हम लोग का पर्याप्त वोल्टेज जब उत्पन्न करना शुरू कर देता है तो इसके साथ में देखिए MPH MVSI12 और MVSL12 ये सब मोटर इसके साथ में चलना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका देखिए कोई कंडक्टर नहीं दिया हुआ है। तो ये जब मोटर चलना शुरू कर देगा तो इसका रिले जब पिकअप लेगा तब जा करके, और देखिए QCVR DC जब W और O फेज के बीच में जब 155 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो QCVR AC का कॉइल ये एनर्जाइज होगा और उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये क्लोज होगा, QCVR AC का जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है ये क्लोज होगा,
और तब ये क्यूसी भैया जो डीसी का ये कॉइल है ये एनर्जाइज होगा और इसका नॉर्मली ओपन इंटरवल ये क्लोज होगा। तो देखिए ये क्यूसी भैया ये डीसी का है, क्यूसी भैया डीसी का कॉइल है उसका, जब ये क्लोज हो जाएगा और एमपीएच का ये उसका रिले है का ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है और एमबीएसएल का ये 1-2 का ये रिले का ओपन इंटरलॉक है। तो जब आरनो पर्याप्त गति पकड़ लेता है, पर्याप्त वोल्टेज उत्पन्न जब शुरू कर देता है, तो ये सब कॉइल का वो ये ओपन इंटरलॉक इधर से ये क्लोज हो जाएगा और इधर से ये आकर के ये क्यूब 1 मिनट रिले को सप्लाई देना शुरू कर देता है इस रास्ता से। तो इस ये सब जो चालू होता है, ये सब मोटर जो चालू होता है, तो आरनो का चालू होने में और ये सब मोटर का चालू होने में 3 से 5 सेकंड का समय लगता है। तो इसलिए इसमें टाइम लेग का ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जाइज को इसके एनर्जाइज को बनाए रखने के लिए टाइम लेग का ज़रूरत है। तब तक फिर से ये फिट देना इधर से शुरू करता है और फिर से ये एनर्जाइज इसको एनर्जाइजेशन को बनाए रखता है। तो इस तरीके से इसको इसमें टाइम लेग की ज़रूरत है। और तीसरा, जब हम लोग बी एल वी एम टी को क्लोज करते हैं, तो बी एल वी एम टी को क्लोज करने होने में भी क्लोज होता है, उसका कंट्रेक्टर क्लोज होगा, उसके बाद उसका रिले पिकअप लेगा, तब जा कर के ये जब उसका कंट्रेक्टर क्लोज होगा तो ये तो नॉर्मली इसका क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा। इधर से ये जो करंट आ रहा था इधर से मिल रहा था, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो जब वो मोटर जब तीनों मोटर जब पिकअप लेगा उसका रिले जब पिकअप लेगा और इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक जब क्लोज होगा, तब इधर से फिर से फीड मिलना इसको शुरू हो जाएगा। तब तक 2 से 5 सेकंड का उसमें भी समय लगता है। तो इस दौरान Q11 रिले के एनर्जाइजेशन को बनाए रखने के लिए इसमें Q5 सेकंड का टाइम लेग दिया हुआ है, नहीं तो डीएनर्जाइज हो जाएगा और डीजे को ट्रिप करा देगा। तो इसलिए इसमें एनर्जाइजेशन को बनाए रखने के लिए इसमें टाइम लेग की ज़रूरत है और इसलिए इसमें टाइम लेग दिया गया है। तो हम लोग Q11 के टाइम लेग को समझें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।